एंड आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 6 लिटरेचर बुक का। एंड इसकी क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे। इसका वीडियो हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, तो क्वेश्चन आंसर इसके हम फॉरेन लैंड्स पोएम के देखेंगे। तो फॉरेन लैंड्स पोएम आपने पढ़ चुके होंगे आप लोग, और हमने वीडियो भी इस पर बना रखा है। तो ये एक जो इसकी पोएम है एंड आर एल स्टीवनसन की पोएम है, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पीछे में दिए हैं विद द मीनिंग्स ऑल्सो। मीनिंग्स इसके दिए हैं पहले, देन बाद में सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर दिए हैं। तो सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन हैं, सेक्शन बी में थिंक एंड आंसर में 2 क्वेश्चंस हैं, तो वो हम क्वेश्चन अब इसमें लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। सेक्शन ए के पहले देखेंगे फॉरेन लैंड्स। सेक्शन ए, आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट 4 थिंग्स दैट द पोएट सीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द चेरी ट्री। तो पोएट जो होता है, पहले जो फर्स्ट 2 लाइन्स में जो आप पोएम में देखेंगे, अप इन टू द चेरी ट्री हु शुड क्लाइम इन बट लिटिल मी। तो वो चेरी ट्री में चढ़ जाता है और वहाँ से देखता है। तो ये उसका गार्डन में चेरी ट्री लगा हुआ है, और वहाँ से देखने से उसको क्या क्या दिखता है। ही सॉ द नेक्स्ट डोर गार्डन, उसके नेक्स्ट डोर का जो गार्डन है वो दिखता है, डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स। ओके, गार्डन में बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, पहली चीज़ वो दिखता है। दूसरा है, बहुत सारी मैनी प्लीजेंट प्लेसेस विच ही हैज नॉट सेवन सीन बिफोर। तो प्लीजेंट, मैनी प्लीजेंट प्लेसेस, और ये प्लीजेंट प्लेसेस आप बोल सकते हैं। तो द सेकेंड चीज़ ये दिखता है। थर्ड है, डिम्पलिंग रिवर, एक रिवर बहती हुई दिखती है उसको, तो वो एक थर्ड पॉइंट था। और डस्टी रोड्स, और डस्टी रोड्स में काफ़ी लोग चल रहे थे, वो उसको दिखता है। तो ये 4 चीज़ें वो उसको पोएट को दिखती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन द फोर्थ स्टैंजा, स्टैंजा बोलते हैं पैराग्राफ जो पार्ट्स होते हैं जो इसके पोएम के। तो फोर्थ स्टैंजा ये है कि इफ़ आई कुड फाइंड ए हायर ट्री फर्दर एंड फर्दर आई शुड सी टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप्स इन टू द सन अमंग द शिप्स। तो ये फोर्थ स्टैंजा में उसकी क्या विश है, विश मतलब क्या देखना चाह रहा था वो। द पोएट विश टू फाइंड ए हायर ट्री सो दैट ही कैन सी फार्दर एंड फार्दर, एक हायर ट्री जो है फार्दर एंड फार्दर वो देखना चाहता है। और दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि ही वांट टू से सी द रिवर, जो रिवर जो कि मीट होती है, ऐसा लगता है जहाँ हॉरिजन में मीट होती है, जहाँ सन में मीट होती है, और जहाँ पे सी में जाके मिलती है, वो भी वो देखना चाह रहा था। उसकी विश में 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, एक हायर ट्री में वो फर्दर एंड फर्दर ही कुड सी एंड वेयर द रिवर मीट्स द सी। ये भी आप पॉइंट एक इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली उसकी विश ये थी कि वो फर्दर एंड फर्दर देख सके, दूर दूर तक देख सके, और जहाँ पे रिवर जो है सी में मिलती है, वो पॉइंट भी वो देख सके। तो उसकी विश ये थी बेसिकली। व्हाट वुड ही बी एबल टू सी इफ़ ही विश कम ट्रू, क्या देख सकता अगर वो उसकी विश, ये जो विश जो थी उसकी अगर पूरी हो जाती तो वो, तो क्या वो देखता था। इफ़ वर्ड विश केम ट्रू देन ही वुड बी एबल टू सी ग्रोन अप रिवर वेयर इट मीट सन एंड सी, एक पॉइंट तो वो देखता था। दूसरा, वेयर रोड्स ऑन आइदर हैंड लीड टूवर्ड्स फेरी लैंड, ऐसी फेरी लैंड वो देखना चाहता था जहाँ पे सारे जहाँ रोड जा रहे हों फेरी लैंड में, और जहाँ के वेयर ऑल चिल्ड्रन डाइन एट 5 एंड ऑल द टॉयज कम अलाइव। तो ये चीज़ें वो देखना चाहता था। तो 3 क्वेश्चन थे इसमें, ये 3 क्वेश्चन कम्प्लीट हो रहे हैं। सेक्शन बी है थिंक नहीं है, थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज़ द आई इन द पोएम ए चाइल्ड और एन अडल्ट। तो पोएट इसमें पोएट ने इसने आई को यहाँ चाइल्ड बताया है कि एक अडल्ट बताया है। तो बेसिकली ये चाइल्ड ही है, क्योंकि इसमें 2 जगह, एक तो पहला लिटिल वन आया, लिटिल वन मतलब बच्चे को ही बोलते हैं, और लास्ट लास्ट स्टेंजा में आप देखेंगे कि प्ले थिंग्स और चिल्ड्रन का वर्ड्स भी यूज़ भी किया गया है, वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाई एट 5 एंड ऑल द प्ले थिंग्स कम अलाइव। तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती है कि ये पोएम में आई जो है एक चाइल्ड के लिए यूज़ किया। तो आई इन द पोएम इज़ फॉर चाइल्ड बिकॉज इन फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इट्स वर्क नहीं है, वर्ड वर्ड
लिटिल मी इज यूज एंड द लास्ट स्टैंजा वर्ड प्ले थिंग और चिल्ड्रन भी यूज किया गया है इज मैंशन विच इज़ यूज बाई चाइल्ड ओनली विच इज़ यूज फॉर नॉट बाय यूज फॉर चाइल्ड ओनली. क्वेश्चन नंबर थ्री है टू है वाई डू यू थिंक दैट द पोएट से ही लुक अब्रॉड ऑन फॉरन लैंड्स इवन दो ही इज पर्च ऑन ए चेरी ट्री इन हिज ओन गार्डन. तो वो उसको फॉरन लैंड्स क्यों लगती जबकि वो उसके खुद के गार्डन के ऊपर ही चेरी ट्री के ऊपर ही खड़ा था. बिकॉज पोएट हैज़ नेवर सीन द नेवर गार्डन एंड मैनी प्लेसेज बिफोर. पोएट ने कभी उसकी अपनी घर की बाउंड्री के बाहर देखा नहीं था, हाइट पर कभी चढ़ा ही नहीं था वो. सो द लैंड्स बिहोर इज गार्डन बियॉन्ड इज गार्डन और फॉरन लैंड्स फॉर हिम. तो ये सब जो चीज़ें वो देख रहा था वो फर्स्ट टाइम देख रहा था और ये सब उसके लिए फॉरन लैंड ही थी. तो इसलिए यहाँ पे ये लुकड अब्रॉड ऑन फॉरन लैंड्स ऐसे यूज़ किया गया है. सो होप आप लोग इसको अंडरस्टैंड किए होंगे एंड इन केस ऑफ डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन और प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.